जेरे विंटॉप मेथड का यूज कब किया जाता है? टू डिटरमाइन एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड, उस कंपाउंड में कितने एक्टिव या फिर एसिडिक हाइड्रोजन है। यूजिंग ग्रिग्नार्डिजन, ग्रिग्नार्डिजन यूज करके हम लोग उसमें एक्टिव हाइड्रोजन का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। तो कितना मोल इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ये आपको बताना है। तो अगर इस चीज को एक्सेस में ले लें, किस चीज को, ग्रिग्नार्डिजन को एक्सेस में ले लें और इसके वन मोल ले लें, इसके वन मोल ले ले, तो बताइए इसमें CH4 मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस होगा। तो बिफोर रिएक्शन ऐसा डेटा है, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, लिमिटिंग रीजन कौन होगा, तो जो लेस अमाउंट में होगा ये चीज एक्सेल में, इसका मतलब ये क्या होगा, ये फिनिश हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रीजन होगा, तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। एक मोल से जितना ये कंज्यूम होगा एक मोल में उतना ही बन जाएगा। एक स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, एक स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, एक स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से एक मोल कंज्यूम हो रहा है, तो एक स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से एक मोल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाए, तो वन मोल का फॉर्मेशन है। अगर ये कंडीशन एट STP पे होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 22.4 लीटर CH4 प्रोड्यूस हुआ है। जितना 22.4 लीटर अगर CH4 प्रोड्यूस हो रहा है तो उतना ही हाइड्रोजन है ना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है ना, एक्टिव हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CH4। सिंस इसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बात क्लियर है। तो जितना इसमें मोल CH4 प्रोड्यूस हो रहा है STP में कन्वर्ट करेंगे, सिंस एक मोल है तो 22.4 लीटर CH4 हो रहा है, CH4 जितना होगा उतना ही वॉल्यूम इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन उसमें उतना ही होगा। सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, अभी ग्रिग्नार्डिजन क्या चीज दे रखा है, ये चीज एक्सेस में दे रखा है, ये चीज एक्सेस में दे रखा है, और इसके सपोज डेट 50 ग्राम दे रखे, इसका क्या दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है, तो कितने मोल CH4 प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन है, लिमिटिंग रीजन ये वाला है, और एक्सेस में कौन सा, एक्सेस में ये, तो ये कितना कंज्यूम होगा। तो आइए हम लोग उसके बारे में बात करें, 50 ग्राम है, इसको क्या करें, इसको मोल में कन्वर्ट कर ले, तो मोल में कैसे कन्वर्ट होगा, 50 इसके मॉलिक्यूलर से मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोलिस M, तो ये इसके मोल आ गए, किसके मोल आ गए, इसके एक मोल से कितना कंज्यूम हो रहा है, इतना कंज्यूम हो रहा है एक मोल में। अगर इसका हम लोग एक स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेंगे तो इसका कितने मोल प्रेजेंट है, इतने मोल, ये चीज एक्सेस में है तो ये चीज क्या हो जा रही है। अब बात आई कि इसमें ये कितना कंज्यूम होगा उसके बारे में बात करें, तो एक मोल में ये अगर पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, एक मोल में पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, चूंकि लिमिटिंग रीजन हुआ LR लिमिटिंग रीजन, एक मोल से जितना ये कंज्यूम होगा एक मोल से उतना ही ये फॉर्मेशन हो जाए, तो एक मोल से अगर ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है तो एक मोल से उतना ही वे, तो 50/M ये क्या इतना प्रोड्यूस होगा, इसको STP में कन्वर्ट कर लेंगे, इस मोल को STP में कन्वर्ट कर लेंगे, इतने मोल ये प्रोड्यूस हो रहा है STP में कन्वर्ट करके, कितना वॉल्यूम ये प्रोड्यूस हो रहा है आप बता सकते हैं। सपोज डेट ये दिखा रखा है, ये चीज अगेन एक्सेस में है, अगर ये 100 ग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्लाइकॉल ग्लिसरीन अगर 100 ग्राम दे रखा है, इसको मोल में कन्वर्ट कर ले, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर सपोज़ेड मॉलिक्यूलर मास M है, इतना मोल अगर एक स्टॉइकोमेट्रिक ऑप्शन में, इसके इतने मोल ले जा रहे हैं एक स्टॉइकोमेट्रिक ऑप्शन में, ये चीज एक्सचेंज में, इसका मतलब लिमिटिंग रीजन, जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही यहां पर प्रोड्यूस, तो CH4 प्रोड्यूस कितना मोल या कितना वॉल्यूम CH4 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि CH4 का स्टेट कैसा होता है, स्टेट गैस होता है, तो कितना वॉल्यूम गैस प्रोड्यूस होगा, तो कैसे पता करेंगे, एक मोल एक स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में सारा कंज्यूम हो जाए, एक स्टॉइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में उतना ही प्रोड्यूस हो जाता है, ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, C 100/ इतना मोल प्रोड्यूस हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे एट STP, तो कितना वॉल्यूम CH4, जितना वॉल्यूम CH4 प्रोड्यूस हो रहा उतना ही वॉल्यूम इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बात क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है,
अगर इसका अमाउंट मेंशन है विदर मास में दे रखा है या मोल में दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप मोल में कन्वर्ट कर ले, सिंस ग्रिग्नार्ड इज एक्सेस में दे रखा है, एक्सेस में अगर दे रखा है तो फिर लिमिटिंग रीजन ही होगा, और ये लिमिटिंग रीजन होगा तो एक मोल से जितना, चूंकि इसमें एक मोल एक्टिव हाइड्रोजन, एक स्टोइकोमेट्रिक ऑक्सीजन जितना कंज्यूम होगा एक स्टोइकोमेट्रिक ऑक्सीजन में उतना ही ये प्रोड्यूस होता है। बात क्लियर है? अगर ऐसा कुछ गिवन है इसका भी एक मोल दे रखा है, इसका भी एक मोल दे रखा है, तो बताइए बिफोर रिएक्शन ऐसा है, है ना? ये क्या दे रखा है? इसके मोल दे रखे हैं, इनिशियल मोल, इसके इनिशियल मोल दे रखे हैं। तो इसमें ये क्या करेगा? CH4 का फॉर्मेशन करेगा। तो एक मोल CH3 से एक मोल एक्टिव हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन ऐसा है, तो आफ्टर रिएक्शन कैसा हो जाए? आफ्टर रिएक्शन ये पूरा पूरा कंज्यूम हो जाए, ये पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा और एक मोल यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर ये एक मोल यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर ले, ये हो जाएगा 22.4 लीटर। जितना लीटर यहां पर CH4 होगा उतना ही लीटर में एक्टिव हाइड्रोजन है। ऐसा कुछ हम लोग ले सकते हैं, एक डेटा ये, दूसरा डेटा ये है। अगर इसके वन मोल लें, इसके टू मोल लें, देन इसके ऊपर कितना CH4 प्रोड्यूस होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो बिफोर रिएक्शन इसके ऐसे मोल दे रखे हैं, इसके ऐसे मोल दे रखे हैं। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? जो कम होगा वो लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? ये लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, ये सारा सारा कंज्यूम हो जाएगा। कितना कंज्यूम हो जाएगा? पूरा का पूरा कंज्यूम। ये कितना कंज्यूम होगा? एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जितना ये कंज्यूम हो रहा है लिमिटिंग एजेंट उतना ये भी। ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? वन मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। वन मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये चीज डेटा अगर कुछ ऐसा दे रखा हो, इसके टू मोल हो, इसके वन मोल हो, और कितना वॉल्यूम CH4 प्रोड्यूस होगा या कितना मोल एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तो जितना वॉल्यूम CH4 प्रोड्यूस होगा उतना वॉल्यूम एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो आइए देखिए, इनिशियल यानी बिफोर रिएक्शन ऐसा डेटा दे रखा है। बिफोर रिएक्शन ईच के मोल मेंशन है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के दो मोल है और एक मोल ग्रिग्नार्डिजन के है। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? लिमिटिंग एजेंट पता करें, जो लेस अमाउंट में होगा वन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में वो लिमिटिंग। ये क्या हुआ? ये एल आर लिमिटिंग एजेंट, यानी कि सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना कंज्यूम होगा? जितना है उसका ठीक वन मोल कंज्यूम होगा, तो कितना रिमेनिंग? वन होगा। लिमिटिंग एजेंट वन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जितना कंज्यूम होगा वन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में उतना ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये वन मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। वन मोल का मतलब 22.4 लीटर एट एसटीपी। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड से कितना एक्टिव या फिर एसिडिक हाइड्रोजन है इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। कितना मोल वो परफेक्ट बेसिकली दे रखे हैं, इसका ग्रिग्नार्डिजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या ग्रिग्नार्डिजन का बनना होगा कि नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा? नो GR will form। इसमें GR का बनना नहीं होगा, इसमें भी GR का बनना नहीं होगा और इसमें भी GR का मीन ग्रिग्नार्डिजन का बनना नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं ऐसा क्यों होगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा? किसी एक साइड ग्रिग्नार्डिजन का बनना हुआ, जब किसी एक साइड का ग्रिग्नार्डिजन का बनना हुआ तो कुछ ऐसा हो जाए। देखिए अभी क्या है, विदिन मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी। इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक क्या होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक होगा। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक से क्या होगा? लिविंग ग्रुप हटेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब घर में पड़ा है सोना तो कहेगा रोना, यानी विदिन मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल भी है। ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा और बेहतरीन कंजुगेटेड डाइन का बनना हो जाएगा। तो CH2CHCl यानी फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रिग्नार्डिजन नहीं होगा, MgBr2 बाय प्रोडक्ट होगा। वही चीज इसके साथ रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल सेम वे से प्रोसीड करेगी। CH2Br हो जाएगा, इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दे, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दे। इसको डिफरेंट करना है तो ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, तो जब ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो
वर्ल्ड वॉन एज इट इज रहेगा। इस साइड ग्रीन कार्ड रीजन का फॉर्मेशन हुआ। फिर से इंट्रा मलिकुलर अटैक, इंट्रा मलिकुलर अटैक हो कैसे, लीविंग ग्रुप का निकलना होगा, पाई बॉन्ड इधर रोटेट किया, ये इधर रोटेट किया, तो इसमें इंट्रा मलिकुलर अटैक से प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा सी क्यूमुलेटेड डाइन का फॉर्मेशन, चाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? तो चाइन कुछ इस तरीके से चाइन का बनना होगा बाय प्रोडक्ट MgBr2। सिमिलरली इसके बारे में बात किया जाए, इसका मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे, अच्छे तरीके से समझिए, ये क्या करेगा, ग्रीन कार्ड रीजन का फॉर्मेशन हो गया। इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, MgI हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगेन ये यहां से लीप कर जाएगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये यहां से लीप कर जाएगा, ठीक है, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए ऐसा एल्कीन बन जाएगा, OH हो जाएगा और यहां पर इस तरीके से एल्कीन का फॉर्म। बात क्लियर है? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड की जब भी बात की जाए तो यहां पर उसका कंसर्न एल्डिहाइड या फिर कीटोन से है। कार्बोनिल कंपाउंड की जब भी बात की जाती है तो इसका मतलब यहां पर ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ है। बात क्लियर है? इसका ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे RMgS, देन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, ट्रिक वाइज अगर याद रखेंगे तो बहुत ही आसान है। क्या ट्रिक क्या है, नेचुरल तो मैं जस्ट बता नहीं जा रहा हूं, ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक ये बोलता है आपको करना क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो एल्काइल वाला पार्ट है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो एल्काइल वाला पार्ट है आप इस कार्बन को दे दें। क्या करना है, ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो एल्काइल वाला पार्ट है इस कार्बन को दे देना है, बाकी जो जैसे है वो एज इट लिख दीजिए, साथ में ऑक्सीजन के पास जो एच आएगा वो सॉल्वेंट से, ये एच आ रहा है सॉल्वेंट से। बात क्लियर है? तो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो ईच एटम पे एक एक वैलेंसी फ्री होगी, कार्बन पे ग्रिग्नार्ड एजेंट का एल्काइल वाला पार्ट आएगा और ऑक्सीजन पर ग्रिग्नार्ड एजेंट का हाइड्रोजन आएगा, इस तरीके से एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। आपको रिएक्शन रिवर्स चल रहा है तो क्या करेंगे, एल्काइल यहां से रिमूव कर लेंगे और ऑक्सीजन से एच रिमूव कर लेंगे। अब एल्काइल एक टाइप का है तो इसमें एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दो टाइप के एल्काइल है तो दो पॉसिबिलिटी होगी, इसको हटाने पे और एच हटाने पे, इसको हटाने पे और एच हटाने पे, तीनों डिफरेंट एल्काइल होगी तो तीन डिफरेंट यहां पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तीन डिफरेंट मतलब एक बार इसको हटाएंगे एच हटाएंगे एक कॉम्बिनेशन, एक बार इसको हटाएंगे एक बार एच हटाएंगे, एक बार इस एल्काइल को हटाएंगे एच हटाएंगे, तो तीन कॉम्बिनेशन, तो जितने डिफरेंट एल्काइल होंगे उतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल, रिएक्शन रिवर्स है। तो रिवर्स जितना कैसे ग्रुप पर अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल है, चूंकि एल्कोहल इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा, तो ऑक्सीजन से एच निकालना है और कोई एक एल्काइल कार्बन से निकालना, सारे से सेम है तो कोई सा भी निकाल लो, दो डिफरेंट है तो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल, और तीनों डिफरेंट एल्काइल तीन कॉम्बिनेशन पर, वो रिवर्स ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है? इसके मैकेनिज्म जानते हैं फिर इसमें रिएक्टिविटी की बात करें। मैकेनिज्म के बारे में बात करें, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग्नार्ड एजेंट का एल्काइल वाला पार्ट अटैक करेगा, आर निगेटिव कहां पे अटैक करेगा, आर निगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि एज ए न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन पे होगा, इसी वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आर इस पे हो जाएगा, एमजी का अपना कुछ नहीं, जहां इसको नेगेटिव चार्ज दिखा उसका काउंटर पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने पर ये वाला बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ऐसा एल्कोहल आपके सामने, ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप है,
और ये स्टेप क्या फास्ट है। सिंपल एसएनटू मैनर में, एसएनटू मतलब इन द सेंस टीएस बनाते हुए, इसमें वन टीएस बनेगा, यहां से आ सकते टीएस, टीएस वन इस तरीके से आयन का बनना होगा, हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसे प्रोडक्ट का बनना होगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल, इसमें न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अटैक कर रहा है, इस वजह से न्यूक्लियो। अब रिएक्टिविटी की बात करें हम लोग, रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या पॉसिबल है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पॉसिबल है। एल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड और वर्सेस कीटोन। रिएक्टिविटी की बात जो करें तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, दो फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है और दूसरा है स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बोलता है इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, हम लोग बोलेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उतनी ज्यादा होगी। तो बताइए एचएच क्या करेंगे, क्योंकि पोलर बॉन्ड पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नाइदर अट्रैक्टिंग नॉर रिलीजिंग ग्रुप, जबकि ये क्या करेगा प्लस आई देगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। सिमिलरली यहां पर भी प्लस, दो तरफ से प्लस आई देगा, तो दो तरफ से प्लस आई देने पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा न्यूट्र। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ये बोल रहा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किस कार्बोनिल कार्बन को होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की होगी, फिर इसके बाद हायर एल्डिहाइड की होगी और सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके, क्यों, क्योंकि प्लस आई से बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है। इस वजह से एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से ज्यादा होगी, प्लस आई वाला फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक रिएक्टिविटी को, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को कम करेगा, जबकि माइनस वाला फैक्टर इसको बढ़ाएगा। बात क्लियर है, माइनस वाला फैक्टर बढ़ाएगा। तो प्लस आई सबसे ज्यादा है, इस वजह से सबसे ज्यादा। स्टेरिक फैक्टर के बारे में बात करें, स्टेरिक फैक्टर में कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है तो स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन हो गया, इधर एक एल्काइल है इधर जीरो एल्काइल है, तो ये फ्री ऑफ बल्की ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिसाइड बल्की ग्रुप से सराउंडेड नहीं, फ्री है, जबकि यहां पर एक ग्रुप आ गया दो ग्रुप हो गया। तो जैसे जैसे सराउंडिंग, स्टेरिक सराउंडिंग बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना वहां पर डिफिकल्ट। तो स्टेरिक फैक्टर, इन दोनों फैक्टर के बारे में बात करें, इन दोनों फैक्टर की वजह से अगर इसको वन बोले, इसको टू बोले और इसको थ्री बोले, तो एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होगी, फिर एस्टेरिल्डिहाइड की होगी, फिर इसके बाद कीटोन, और कीटोन में भी जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मतलब क्या हुआ, इसमें रिएक्टिविटी बतानी है तो देखिए, इसमें मिथाइल कीटोन हो गया, मिथाइल आइसोप्रोपाइल, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल, रिएक्टिविटी क्या होगी, स्टेरिक क्राउडिंग सबसे ज्यादा एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सबसे ज्यादा इस पर होगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर प्लस आई जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी एज वेल एज सबसे बड़ा जो फैक्टर क्या है, इसे अरेंज करेंगे आई यूज के बारे में बात करें, इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो जब ये रोटेट करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां से क्रॉस कंजुगेशन लगेगा, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइजेशन विद इन सिस्टम होने लगा क्रॉस कंजुगेशन की वजह से, जबकि यहां पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं, दैट्स व्हाई इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फॉर्मेल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड। इसके बारे में बात करें, इन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो स्ट्रेन होने की वजह से, स्ट्रेन याद रखिएगा, यहां पर स्ट्रेन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी एक्स्ट्रा इसके साथ रिएक्टिविटी ऐड हो गई इसके रिस्पेक्ट में। तो क्योंकि यहां पर अभी इसका बेसिस स्टेट क्या है, sp2 है, और जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसका बेसिस स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो यानी sp2 से sp3 स्ट्रेन रिलीव होगा, स्ट्रेन रिलीव होने की वजह से यहां पर इसके लिए थ्री मेंबर रिंग है, याद रखिए थ्री मेंबर sp2 होगा तो 120 होगा, नेचुरल एंगल से डिफरेंस हो क्या है, यहां पर इसका 60 डिग्री है, ये नेचुरल एंगल ये बता रहा है।
और SP2 होने वाले 120 यानी स्ट्रेन बहुत ज्यादा 60 डिग्री का इसमें स्ट्रेन है। अगर वो 109 डिग्री में जाएगा वर्सेस 60 तो अब जो डिफरेंस होगा लगभग 50 डिग्री का, जो इससे पहले 60 डिग्री का स्ट्रेन एंगल ऑफ स्ट्रेन था अभी 50 डिग्री होगा। कब? जब इसमें 120 से 109 डिग्री 28 मिनट जाएगा। तो इसमें स्ट्रेन ज्यादा, इसमें स्ट्रेन कम, दैट्स व्हाई इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी ऐसा। सिमिलरली इनमें कंपेयर करना है तो माइनस वाला फैक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज में जीत बढ़ाएगा, तो माइनस वाला फैक्टर क्या करेगा, माइनस वाला फैक्टर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, प्लस वाला फैक्टर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा। तो माइनस वाले फैक्टर में कौन कौन सा है, माइनस में फैक्टर माइनस एन माइनस एच माइनस आई, प्लस में कौन कौन सा फैक्टर है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, यहां पर कौन सा फैक्टर है माइनस आई सबसे बड़ा फैक्टर, प्लस एम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, प्लस एच यहां पर कोई, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे पड़ रहा होगा, फर्स्ट पड़ रहा होगा, तो सबसे ज्यादा ये फर्स्ट आ गया आपका, ये है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद देखो इन दोनों में प्लस वाले फैक्टर के बस कुछ ना कुछ इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, है ना, जबकि यहां पर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, तो फोर नंबर आ जाएगा। फिर इसमें इसका प्लस एम पावर ज्यादा होगा, ज्यादा मैग्नेट का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा कम होगी, यानी कि थर्ड हो जाएगा और इसके बाद सेकेंड हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा चुके हैं जीओसी में, तो ये सारी वही चीजें घूम फिर के आगे आपको मिलनी जो चीजें आपने जीओसी में पढ़ रखी। इन कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड अगेन इस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी टूवर्ड्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वही चीज यहां पर थी वही पे यहां पे। इसमें क्या है, सीएल के बारे में बात करें, सीएल एक ऐसा केस है जो कि आई फैक्टर इसमें डोमिनेटिंग होता है ओवर एम, तो सीएल की वजह से यहां पर क्या इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही होगी, जबकि यहां पर एक CH3 वजह से प्लस न्यूट्रल हो रहा होगा, अब जो समझते हैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर, तो एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो फर्स्ट रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसके बाद सेकेंड की होगी, फिर थर्ड की होगी, फिर इसके बाद यहां का लोन पेयर यहां का लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लोन पेयर न्यूट्रलाइज, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर से न्यूट्रलाइज होगा यहां पर सबसे आसानी से पॉजिटिव चार्ज किसमें लोन से न्यूट्रलाइज होगा, यहां का जो पॉजिटिव चार्ज होगा सबसे नेगेटिव चार्ज है सबसे आसानी से, जबकि ये दोनों न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कौन खा रहा है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला खा रहा है, यहां पर कौन खा रहा है लोन पेयर खा रहा है, लोन पेयर कौन आसानी से दे सकता है जितने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नाइट्रोजन होगा लोन पेयर होगा उतना लेस आसानी से लोन पेयर डोमिनेट कर सकता है, तो यहां के पॉजिटिव चार्ज कौन खा रहे हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो सब में खास बात एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर क्या करेगा कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खा जाएगा, सबसे ज्यादा कौन खाएगा क्योंकि इसमें नेट नेगेटिव से सबसे ज्यादा खाएगा, इन दोनों में कौन खाएगा इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से डोनेट किया जा सकता है ऑक्सीजन की तुलना में, तो इसमें रिएक्टिविटी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसका फोर नंबर आ जाएगा, इसके बाद फाइव नंबर में और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी सिक्स नंबर की, ऐसे रिएक्टिविटी इसमें होना चाहिए, बात क्लियर है। अभी ऐसा एल्कोहल बता दे रखा है, आपसे पता करना है इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट और ग्रिग्नार्ड एजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड का कॉम्बिनेशन क्या होगा, आइए उसके बारे में उस एल्डिहाइड और कीटोन साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में बताना है। ऐसा एल्कोहल दे रखा है, पता करना है ग्रिग्नार्ड एजेंट और किस कंपाउंड से प्रोड्यूस हुआ होगा, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या सिखाया गया है, आपको सिखाया गया है ऑक्सीजन से H हटाना, साथ में एक एल्काइल कार्बन से हटाना है, तो जितने डिफरेंट एल्काइल होंगे उतनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो यहां पर
कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया और यहां पर कितनी नाइट्रोजन, कितना कॉम्बिनेशन केवल एक ही, कोई सभी एल्काइल हटा दे सारे एक ही जैसे है, डबल ऑक्सीजन से एच हटाया, कार्बन से एल्काइल हटाया, सीओ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे MEME, और जो आपने निकाला है वो ग्रिग्नार्डियन का पार्ट बना दे CH3MgBr या Cl जो भी होगा। इसमें कितने कॉम्बिनेशन, दो डिफरेंट एल्काइल है, इन दोनों से कोई से निकाले एक ही होगा दूसरा ये, तो इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप CH3 हटा दे, तो CH3 हटाएंगे C2H5 हो जाएगा और ऑक्सीजन से एच हटा दे, एक पॉसिबिलिटी, C2H5 भी आप इससे हटा सकते हैं, तो C2H5 हटाएंगे तो CH3 ऐसा होगा, तो CH3 हटाया उसको आप ग्रिग्नार्डियन का पार्ट बना दे CH3MgBr हो जाएगा, C2H5 हटाया C2H5 ग्रिग्नार्डियन का पार्ट बना दे। इसमें कितने पॉसिबिलिटी, इसमें तीन पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी CH3 हटाया तो जो बाकी बचे हैं उसको आप लिख दें, और ऑक्सीजन से H हटाना है आपको C6H5, तो जो आपने हटाया ग्रिग्नार्डियन का पार्ट बना दे CH3MgBr हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी से क्या है, इससे दूसरी पॉसिबिलिटी C2H5 को हटा दो, ऑक्सीजन से H हटा दो तो हो जाएगा C2H5MgBr हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या, तीसरी पॉसिबिलिटी C6H5 रिमूव करना, तो जब C6H5 रिमूव करेंगे तो तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें ऐसी होगी C6H5 भी ग्रिग्नार्डियन का पार्ट ले रहे, तो इससे तीन कॉम्बिनेशन, इससे दो कॉम्बिनेशन और इससे एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी सीओ प्रोडक्ट लिखने का तरीका सिखाया जा चुका है आपको, करना क्या है पाई बॉन्ड को रैप्चर करना है और एल्काइल ग्रिग्नार्डियन का किसी भी अटैक कर सकते हो, लेफ्ट सिमेट प्लस कोई इश्यू नहीं है, और एच इसके पास आएगा, कहां से आएगा एच, सॉल्वेंट से एच इसके पास आएगा, ये तरीका आपको सिखाया गया, तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। एच हो गया कार्बोनिल कार्बन, दूसरा वाला फैक्टर क्या करेगा, दूसरा वाला जो फैक्टर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर वर्क करता है, विद इन मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पोल याद रखेगा मस्ट बी एट हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होना चाहिए, और नेगेटिव पोल कोई सा भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन में से हो सकता है, तो यहां पर क्या है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और एच बॉन्डिंग चाहे इंट्रा हो या फिर इंटर हो, सिंस चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे, चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे तो सिस्टम को स्टेबिलाईज करेगा, तो इस वजह से इसमें इस तरीके का जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट। इसमें हम लोग बात करते हैं इसमें जो प्रोडक्ट होगा, सिंपल प्रोडक्ट लिखने का तरीका देखिए, ये डी एच सी एस थ्री इसको तो टच करने रहा है, जिसको टच कर रहा है आइए उसके बारे में बात करते हैं, जिसको टच कर रहा है आइए उसके बारे में बात करते हैं, एच आपका एज इट इज होगा, जिसको टच कर रहा है आइए उसके बारे में बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास एच आ जाएगा और कार्बन के पास क्या आ जाएगा ग्रिग्नार्डियन का एल्काइल, इस एच को इधर आप लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है चूंकि ये काइरल कार्बन है, अकाइरल से काइरल जब भी बनता है तो इसमें इक्वल अमाउंट में आर और एस दोनों बनेगा, तो OH इधर हो सकता है और H इधर हो सकता है, बाकी जो जैसे वो एज इट इज रहते हैं, है ना, H इधर हो सकता है, तो बात है इसमें कितने प्रोडक्ट बने, तो आंसर इसमें दो प्रोडक्ट मिले, कौन कौन से, दोनों प्रोडक्ट आपके सामने है। क्या रिलेशन है इन दोनों में, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है दोनों में, इसका तो चेंज हो रहा है लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, मतलब ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है। थर्ड वन के बारे में बात किया जाए CH3MgBr, इन दोनों में से किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो दोनों में इसमें इंटरेस्टेड बनाया जाएगा, इसमें वन इक्विवेलेंट यूज किया जा रहा है तो किसके साथ जाएगा, वन इक्विवेलेंट अगर CH3MgBr यूज किया जा रहा है तो किसके साथ जाएगा आइए पता करते हैं, तो जिस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा वो इसके पास जाएगा, माइनस एम ग्रुप अटैच है
किसके लिए, कौन से सीएचओ के लिए, दो सीएचओ है, आर्थो और पैरा पोजिशन पे एम इफेक्ट वर्क करता है, तो इसका तो पैरा बनना बट इसका मेटा बनना, यानी इस वाले ग्रुप की तो रिएक्टिविटी काफी कम है इसके, क्योंकि इस यहाँ पर माइनस एन क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक शिफ्ट बढ़ा रहा है, तो ये वाला पार्टिसिपेट करेगा जबकि ये करेगा नहीं, क्योंकि वन इक्विवेलेंट दे रखा है, तो इसमें ये जब पार्टिसिपेट करेगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए इसमें जो जैसे है वो एज इट इज लिख दे, ये सी एच ओ एज इट इज रहेगा, यहां पर कार्बन के पास सी एच थ्री, ऑक्सीजन के पास सॉल्वेंट से एच आ गया, बाकी जो जैसे था एच पहले से था इसके पास, और यहां पर एनओ टू ग्रुप प्रेजेंट है वो आपका एज। तो फिर से समझिए दोनों कार्बोनिल में से किसके पास ये ग्रिग्नार्ड डिग्री जाएगा, तो रिएक्ट तो दोनों से कर सकता है बट वन इक्विवेलेंट दे रखा है, तो वन इक्विवेलेंट के केस में क्या होगा, वन इक्विवेलेंट के केस में ये वाला जो सीओ है, ये वाला सीओ, दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें ये वाला एनओ टू माइनस एन दे रहा हूं किसके लिए, इसके लिए, जबकि इसके लिए यानी ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें टाइप होगा ऐसा प्रोडक्ट, इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक होगा, विद इन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक साइड भी है, इलेक्ट्रॉन भी सेंटर भी है, तो इसमें इंटर, घर में पड़ा है सोना तो फिर काहेगा रोना, इस पे ये वाला कार्बन इंट्रा मॉलिक्यूलरली किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो इसमें कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक दो तीन चार पांच, फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, देखो ये वाला ऑक्सीजन तो चला गया OH में, यहां पर क्या है, यहां पर एच है तो एच बना रहे, तो क्या कनेक्ट हुआ, कार्बन, कौन सा कार्बन कनेक्ट हुआ, न्यूक्लियोफिलिक वाला कार्बन, टोटल कितने कार्बन आइटम यहाँ पर है, फाइव कार्बन, इस तरीके से मेजर पार्टिकल का बनना, बात क्लियर है, यहाँ पर OMGBr होगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, या उसके डेरिवेटिव्स के साथ की बात किया, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर हो गया और एमाइड हो गया, याद रखना इसमें फर्स्ट वन और लास्ट वन में कुछ खास बात है, इसमें जब ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करेगा तो एज ए बेस रिएक्ट करेगा, क्योंकि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो यहां पर जीआर किसके तरीके बिहेव करेगा, जीआर बिहेव करेगा बेस के तरीके, किसके तरीके बिहेव करेगा, बेस के तरीके, यहां पर जीआर किसके तरीके बिहेव करेगा, बेस के तरीके, बाकी रेस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो यहां पर ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसके तरीके बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो बेसिकली हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट का एज ए न्यूक्लियोफाइल ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो अब न्यूक्लियोफाइल के तरीके तो इसमें बेसिकली पांच है ना, एक दो तीन, इसको ए बी और सी बोला जाए, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टिविटी किसके बेसिस हम लोग चेक करेंगे, लिविटी, इसमें एलजी है बेसिकली, यहां पर ये जो ग्रुप है एज ए लिविंग ग्रुप की तरीके ट्रीट कर रहा है, तो इसमें लिविबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी, तो जो भी पार्ट लीव करेगा उसको एच दे दो, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा करस्पॉन्डिंग ग्रुप की लिविबिलिटी उतनी ज्यादा, तो HCl कार्बोक्सिलिक एसिड जबकि एल्कोहल, HCl सबसे स्ट्रॉन्गर मिनरल एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल सबसे लीस्ट, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिविबिलिटी के बेसिस पे ए फिर बी फिर सी। तो अगर एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में बात करें तो एसिड डेरिवेटिव्स में एसिड या एसिड के डेरिवेटिव में से एसिड और एमाइड, एसिड एमाइड ये दो है जो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट तो करते हैं लेकिन वहां पर ग्रिग्नार्ड एजेंट एज ए बेस के तरीके, तो एल्केन विल बी मेजर पार्ट है, लेकिन जब आप एसिड हैलाइड एसिड एनहाइड्राइड ईस्टर की बात करते हैं तो उसमें फाइनल प्रोडक्ट पहले एल्डिहाइड में पहले कीटोन में कन्वर्ट होगा है ना, कार्बोनिल कंपाउंड पहले कन्वर्ट होगा फिर देन फॉलोड बाय एल्कोहल, तो इसमें दो मोल कंज्यूम होंगे, कैसे दो मोल कंज्यूम होंगे आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, किसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, यहां पर क्या है एल, एल क्या है एल जी लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप क्या है जो लीव करके निकल जाए उसे लिविंग ग्रुप बोलते हैं, शेयर्ड पे रख लिख लेके लीव कर जाए उसे लिविंग ग्रुप बोलेंगे, तो जब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे वो ग्रिग्नार्ड एजेंट कुछ भी हो सकता है, सपोज डेट सी एस थ्री MgBr है, तो दो स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, पहले स्टेप में ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, पहले S इसमें SnAe, पहले स्टेप में क्या होगी SnAe न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, पहले स्टेप में ये होगी
एस एन ए से होगा और ये होगा आर सी अगेन, यहां पे लीविंग ग्रुप का हटना होगा, न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो आ जाएगा। कीटोन बन गया क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन फर्दर ग्रीन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है, तो ये तो यहां पर इसका फर्स्ट मोल कंज्यूम हो रहा है ना, इसका ये फर्स्ट मोल है। सेकेंड मोल जब कंज्यूम होगा तो कैसे होगा, इसमें अल्टीमेट प्रोडक्ट याद रखना एल्कोहल ही होता है। तो अभी क्या होगा, फिर से प्रोडक्ट लिखना है, कार्बोनिल कार्बन को एल्काइल दे दे, किसका एल्काइल, ग्रिग्नार्डजन का एल्काइल दे दे, और ऑक्सीजन को सॉल्वेंट से एच दे दे, इस तरीके से प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो वन इक्विवेलेंट अगर मेंशन है या वन मोल मेंशन है तो एल्डिहाइड कीटोन, एक्सेस में होगा तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल होगा। यहां पर जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, जबकि यहां पर एस एन ई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है। स्टेप बाय स्टेप बाय ये समझते हैं कैसे हो रहा होगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले सी एस थ्री निगेटिव ने अटैक किया, शेयर्ड कर आप इलेक्ट्रॉन इधर रोटेट करा दे, सी एस थ्री यहां पर चिपका दे, ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा। एल का काम क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा एमजीएस, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा कार्बोनिल कंपाउंड का बना हुआ बाय प्रोडक्ट लिखना चाहे तो एमजीबीआरसीएल हो जाए, एमजीबीआर और एल इसके साथ आके एसोसिएट हो जाए, ये बाय प्रोडक्ट हो जाए। बात समझ आया, तो इसमें क्या हुआ, देखो पहले एडिशन हुआ, फिर इसके बाद लीविंग ग्रुप एलिमिनेट हुआ, इस वजह से इसे एडिशन एलिमिनेशन। अब इसके बाद क्या है, ये प्योरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सी एस थ्री एमजीबीआर के साथ क्या होगा, प्योरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से वही ऊपर टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक्सेस में या कुछ मेंशन नहीं, और ऐसा बोला जा रहा है कि ग्रिग्नार्डजन क्या अगर वन इक्विवेलेंट यूज करें देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वो अंडरस्टूड है, अगर जरूरत है तो followed by hydrolysis if required। तो ऐसा केस होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, और ऐसा केस होगा तो कौन सा कंपाउंड होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो चूंकि लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एस एन ए हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या है एस एन ए हो जाएगा, एस एन ए से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप हटेगा, ग्रिग्नार्डजन का एल्काइल वाला पार्ट चिपका दे, क्या करना है, ग्रिग्नार्डजन का एल्काइल वाला पार्ट चिपका दिया। एक्सेस में होगा तो ये वाला भी उड़ जाएगा, ये वाला उड़ जाएगा, तो यहां पर एक एल्काइल और आ जाएगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इफ रिक्वायर्ड। इस केस में क्या होगा, इस केस में ओ सी टू एच फाइव पर निकलना होगा, यानी कि यहां पर अगेन एस एन ए सी टू एच फाइव CO pH आ जाएगा ग्रिग्नार्डजन से, बाय प्रोडक्ट सी टू एच फाइव ओ एच हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, सी टू एच फाइव ओ एमजीबीआर इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से रिएक्ट करेगा, तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कार्बन के पास पीएच एक और आ चुका है, सॉल्वेंट से एच आ चुका है, टर्सरी एल्कोहल। इस वाले केस के बारे में बात करें, इस वाले केस में अगेन एस एन ई होगा, पीएच हो जाएगा, इसमें क्या होगा सी एस थ्री सी डबल ओ एच हो जाएगा, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस करेंगे। सिंस इसमें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होगा, है ना, एसिटिक एसिड होगा, इसको बाय प्रोडक्ट, एसिटिक एसिड अगर बाय प्रोडक्ट है सी एस थ्री सी डबल ओ एस से, तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा वो तो टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड है तो यहां पर इस तरीके का बेंजीन का भी बनना होगा, बेंजीन का बनना क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिटिक एसिड इसमें बाय प्रोडक्ट है तो बेंजीन इसमें बाय प्रोडक्ट बनेगा। वही चीज यहां पर हम लोग बात करें, इसमें फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा होगा एस एन ए है ओ एच हो जाएगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इफ रिक्वायर्ड पीएच आ जाएगा, ये भी चला जाएगा
OH, PH, एक पीएच और आ गया, बाकी जो जैसे है। इसमें कितने मोल गए? एक मोल कंज्यूम हुआ तो यहां पर SNAE, तो यहां पर SNAE, तो पीएच हो जाएगा, कोई सा भी स्केल हटा दे। अभी देखो फिर से ये एलजी है, ये क्या एलजी, तो जब एक्सेज में है तो पहले इसमें क्या होगा SNAE, फिर इसके बाद इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो जब SNAE होगा उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट पहले ऐसे होगा PHCOPH हो जाएगा, फिर इसके बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, पीएच होगा, पीएच होगा और यहां पर बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है। अब बात आई कि अगर वन इक्विवेलेंट यूज करें तो ये सीएल जाएगा कि ये जाएगा, ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा, सीएल ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, इस वजह से SNAE होगा, PHCO पॉजिटिव है, फिर से यही होगा PHCOPH हो जाएगा और बनने वाला प्रोडक्ट ऐसे होगा। तो दो स्टेप में SNE जाएगा, दो स्टेप में SNE जाएगा। बात करते हैं अगर वन इक्विवेलेंट CH3 ग्रीन हाइड्रोजन दे रखा है तो इसमें क्या होगा, तो देखो अभी यहां पर एज अ बेस के तरीके बिहेव करेगा, इसके तरीके एज अ बेस के तरीके बिहेव करेगा। वन इक्विवेलेंट तो कोई एक SD ग्रुप जाएगा, कौन सा जाएगा ये वाला जाएगा, और बेंजीन इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक्सेस लेंगे तो सारे चले जाएंगे, तो इसमें थ्राइस ऑफ बेंजीन, ये सारे सारे H यहां चले जाएंगे, तो थ्राइस ऑफ बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। इसके वन इक्विवेलेंट के बारे में बात करें तो ये देखिए एसिड डेरिवेटिव हो गया, सिमेट्रिकल कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक करे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे, सॉल्वेंट से H दे दे और इसके पास पीएच आ जाएगा SNAE। इसके बाद फर्दर एक्सेस में है ना SNAE एक्सेस में है, तो ये वाला भी जाएगा SNAE देन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जब SNAE कराएंगे तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, पीएच यहां पे आ गया, पीएच यहां पे आ गया, बाय प्रोडक्ट क्या होगा OH, चूंकि एल्डिहाइड हेड कीटोन, तो अब क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसके अलॉन्ग भी होगा, इसके अलॉन्ग भी होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो ऐसा हो जाएगा। एक्सेस में है तो इस तरीके से 1,2-diol का फॉर्मेशन। इसके बारे में बात की जाए पहले स्टेप में SNAE, कोई सा भी लेफ्ट साइड कोई सा भी ले लिया, पीएच आ जाएगा, OH हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें SNAE देन फॉलोड बाई, तो इसमें बिल्कुल वही सेम है SNAE then followed by nucleophilic addition, तो इसमें क्या होगा पहले PH COPH का बनना होगा और इसमें इस तरीके से OH, then इसके बाद ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा तो इसमें PH का होल थ्राइस OH ऐसा बन जाएगा। लास्ट वाले के बारे में बात करते हैं, लास्ट वाले देखिए इंटरेस्टेड, वन इक्विवेलेंट है तो क्या प्रोडक्ट होगा, टू इक्विवेलेंट होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा, वन इक्विवेलेंट होगा तो उस केस में देखो अच्छे समझना, यहां पर ये प्लस है हमारा ग्रुप, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, जबकि यहां पर इसका कोई इफेक्ट इस वाले ग्रुप का नहीं आ रहा होगा जो कि प्लस है, इसका मतलब वन इक्विवेलेंट होगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव, तो ये पार्टिसिपेट करेगा SNAE। इसके बाद
एक्सेस में होगा तो क्या होगा, आइए इसके बारे में बात करें। ये तो यहीं तक रुक जाएगा पीएच बना के, ये एल्कोहल में चला जाएगा है ना, माइनस एम के प्लस एम के वजह से, प्लस एम के वजह से ऐसा हो रहा है। तो कैसे होगा आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। साइनाइड में सीएन क्या ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर जो जैसा है वो एल्कलाइन। इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्डियन से करा दी, सपोजेड ग्रिग्नार्डियन पी एच एम जी बी आर है, बात क्लियर है। तो जब पहले स्टेप में रिएक्शन होगा किस तरीके से रिएक्शन होगा आइए उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड एन, एन पे निगेटिव, इसके पास आर आ जाएगा, एन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और निगेटिव चार्ज आने का मतलब यहां पर एम जी बी आर, ठीक है। इसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये वाला बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाता है, ऑक्सीजन इसके पास आता है, एस2 इसके पास आता है, ये हो जाएगा कीटोन। और कीटोन के साथ फर्दर अगर ग्रिग्नार्डियन पी एच एम जी बी आर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो कीटोन फर्दर इससे रिएक्ट करके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, आर ट्रिपल आर कार्बन OH, ऐसा एल्कोहल बन जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो साइनाइड बेसिकली क्या होता है, साइनाइड दिस इज इक्विवेलेंट टू द CO, साइनाइड क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द CO। कैसे CO के इक्विवेलेंट है, यहां पर भी पाई बॉन्ड है, यहां पर भी पाई बॉन्ड है, दोनों के पास कॉमन, पहले स्टेप में चूंकि SNA में किसका रोल होता है, पाई बॉन्ड का, दोनों कॉमन बात हो गई। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इसलिए डबल, केवल इतना सा डिफरेंस है। तो पहले क्या होगा, इस तरीके का इंटरमीडिएट होगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वैसा प्रोडक्ट बनेगा, बात क्लियर है। तो अगर इसमें स्टेप वाइज है, आर सी एन का जब रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्डियन के साथ, जब फर्स्ट इक्विवेलेंट इससे कंज्यूम होगा तो इसमें क्या होगा, आर सी ओ आर हो जाएगा, नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देना है ऑक्सीजन से, आर सी ओ आर हो जाएगा, बात क्लियर है। क्या करना है, ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक ये करता है, इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करें, इसको आर दे दें और इसमें पूरा का पूरा नाइट्रोजन रिप्लेस करके यहां पर ऑक्सीजन ले लें, कार्बन को आर दे देना है, नाइट्रोजन रिप्लेस करा के ऐसे दे देना है, बात क्लियर है। फिर इसके बाद फिर से ग्रिग्नार्डियन का रिएक्शन होगा पी एच एम जी बी आर, तो एज यूजुअल टर्सरी एल्कोहल का बनना होगा, क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल का बनना होगा। तो ये तो आपको मैंने तरीका सिखा दिया। अगर ऐसा कुछ केस है, इमाइन का केस है, ये क्या है, इमाइन, जहां जी क्या है, जी एच हो सकता है, आर हो सकता है या फिर पीएच हो सकता है। तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा, ऑक्सीजन इसके पास आएगा, एस2 इसके पास आएगा, पहले क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और कीटोन का कैसे, ग्रिग्नार्डियन के साथ रिएक्शन कराना, टर्सरी एल्कोहल का बनना होगा, जो कि आपको बता चुका है। तो साइनाइड हो या फिर साइनाइड हो तो वो डायरेक्ट रिएक्ट कर जाएगा ग्रिग्नार्डियन के साथ, जबकि अगर इमाइन है तो पहले हाइड्रोलिसिस कर लें, करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लें, देन ग्रिग्नार्डियन का एक्सेस में इन कंपाउंड का ट्रीटमेंट होगा तो क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है ग्रिग्नार्डियन जब रिएक्ट करेगा सबसे पहले सीएन को कन्वर्ट कर देगा सीओ में, ठीक है, तो यहां पर सीओ में कन्वर्ट हो गया, इसमें क्या आएगा, ग्रिग्नार्डियन का एल्काइन। फिर इसके बाद ग्रिग्नार्डियन फिर से इससे रिएक्ट करेगा तो ये सीओ वाला बॉन्ड फर्दर चला जाएगा, तो जब ये सीओ वाला बॉन्ड फर्दर चला जाएगा तो इस तरीके से एल्कोहल का बनना हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में सीएन का रोल नहीं आएगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या है, एसिडिक एच हो गया, तो यहां पर बेस के तरीके ट्रीट करेगा, तो जब बेस के तरीके ये ट्रीट करेगा C2H6 विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एथेन इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके बाद इसमें बात किया जाए, इसमें पहले क्या करें, पहले इसको हाइड्रोलिसिस कर दें, पहले इसको हाइड्रोलाइज कर दें, जब हाइड्रोलिसिस करें इसके पास जी हो जाएगा, इसके पास H2 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CHO। फिर इसके बाद फिर से इसका रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्डियन के साथ,
अब नाइट्रोजन जब इससे रिएक्ट करेगा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच हो जाएगा और सी टू एच आएगा। इसके साथ जब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो पहले ये कन्वर्ट होगा इस तरीके से ओ एच हो जाएगा, यहां पर सी टू एच फाइव हो जाएगा और साथ में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सीओ ईटी। इस बार फिर से इसमें सीओ ग्रुप है ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट ऐसा